राज्य में बाजिला निर्वाचन बिगुल निर्वाचन तारीखर घोषणा कले मुख्य निर्वाचन कमिशनर सुशील चंद्र मोट पांचटी राज्य में सातटी पर्यायर हेब निर्वाचन उत्तर प्रदेश में 10 फेब्रुवारी प्रथम पर्याय निर्वाचन आरंभ 10 मार्च में 5 राज्य हेब भोट गणती कठोर हेब निर्वाचन परिचालना एज यू आर अवेयर दैट द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ गोवा मणिपुर पंजाब उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर ड्यू टू एक्सपायर इन दिस ईयर ऑन मार्च 15th मार्च 19th मार्च 23rd एंड अगेन मार्च 23rd एंड मे 14th रेस्पेक्टिवली ए टोटल ऑफ 690 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो पोल दिस टाइम निर्वाचन कमीशन शनिवार दिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब गोवा मणिपुर आदि 5टी राज्य रे निर्वाचन तारीखर घोषणा करिसंती नुआ कोरोना मार्गदर्शिका पालन करी निर्वाचन अनुष्ठित करा जीवो कोरोना महामारी संक्रमण मध्यरे निर्वाचन कराइबा अत्यंत आह्वान मूलक बोली मुख्य निर्वाचन कमिशनर सुशील चंद्रा कहिसंती मोट 5टी राज्यर 690 विधानसभा आसन पई 18,34,00,000 रु अधिक वोटर मतदान करिवे सेति मध्यरे उत्तर प्रदेशर 403 पंजाबर 117 उत्तराखंडर 70 गोवार 40 एवं मणिपुरर 60 आसन पई मतदान करा जीवो निर्वाचन रे नियोजित समस्त कर्मचारी को कोरोना टीका दिया जीवो बोली सुशील चंद्रा कहिसंती प्रार्थी माने ऑनलाइन रे मध्य नामांकन पत्र दाखल करि परिबे बोली कहिसंती निर्वाचन कमिश्नर द डिसीजन टू गो अहेड विथ शेड्यूल्ड इलेक्शंस वाज टेकन आफ्टर मच डेलिब्रेशन डिस्कशंस एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ द एवर डायनेमिक सिचुएशन द सिचुएशन इज वेरी डायनेमिक इट इज नॉट स्टैटिक नोबडी कैन प्रेडिक्ट नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड अर्लियर आल्सो ए मंथ बिफोर सो द सिचुएशन इज वेरी वेरी डायनेमिक निर्वाचन प्रचार वर्चुअल माध्यम रे करा जिबा सहित कोरोना मार्गदर्शिका पालन को कड़ाकड़ी करा जिबो जनवरी 15 पर्यंत कोनोसी रैली को अनुमति प्रदान करा जिबो नाही उत्तर प्रदेश रे 7टी पर्याय रे निर्वाचन हेबो प्रथम पर्याय निर्वाचन फेब्रुवारी 10 द्वितीय पर्याय 14 फेब्रुवारी रे सेही परी फेब्रुवारी 20 रे तृतीय पर्याय 23 फेब्रुवारी रे चतुर्थ फेब्रुवारी 27 रे पंचम षष्ठ पर्याय मार्च 3 रे एवं सप्तम पर्याय मार्च 7 रे संपन्न हेबो मणिपुर रे फेब्रुवारी 27 और मार्च 3 रे 2टी पर्याय मतदान करा जीवो बोली निर्वाचन कमिशनर सूचना देछंती सेही परी गोवा पंजाब उत्तराखंड रे 14 फेब्रुवारी रे गोटिए पर्याय रे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो निर्वाचन कमिशन को घोषणा को नै प्रतिक्रिया रखिछंती विभिन्न दलर राजनेता ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय स्वागत योग्य है लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करके और साथ में इन व्यवस्थाओं का ऐलान करके उन सारे लोगों की राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगा दिया है जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के कयास लगाते थे कि चुनाव पोस्टपोन करने के लिए सरकार काम कर रही है सरकार चुनाव पोस्टपोन करना चाहती है समय पर नहीं कराना चाहती है मुझे लगता है कि उनके उन सारे आकलनों पर उन सारी चर्चाओं पर विराम लगा है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं तबे कोरोना संक्रमण को आखिरे रखी एतर निर्वाचन परिचालन को बेस कड़ाकड़ी करा जाई छी ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज़